Myanmar, a country in the grip of a war largely forgotten by the outside world. Is burning. Myanmar is in the grip of a brutal civil conflict. Buildings left in ruin. Press freedom in the country is restricted. Hundreds of journalists have been jailed, and getting into Myanmar to report firsthand is tough. Southeast Asian nation of Myanmar is on the brink of becoming a failed state. Myanmar is one of the largest country by landmass in Southeast Asia, and uske bawajood yahan pe development, growth, economic stability ya peace kabhi bhi kamyab nahi reh payi. ब्रिटिशर्स ने ऑलमोस्ट 124 साल म्यांमार को रूल किया, जिसको हम बर्मा के नाम से भी जानते हैं. बर्मा का नाम पड़ा इनकी एक एथनिक ग्रुप बमार से, जो कि लगभग 75% है म्यांमार की टोटल पॉपुलेशन का. एज ऑफ अक्टूबर 2023 म्यांमार की मिलिट्री लगभग 40% एरियाज़ को कंट्रोल करती है. बाकी एरियाज़ को यहाँ के एथनिक रिबेल ग्रुप्स जैसे शान, चेन, रखीने करंटली रूल करते हैं. विथ अ लेवल 4 वार्निंग इशूड अगेंस्ट ट्रैवलिंग टू म्यांमार एंड करंटली रैंक्ड एज थर्ड मोस्ट डेंजरस कंट्रीज टू विजिट, I wanted to cover the on-ground reality and move out of my comfort zone and show you the other side of Myanmar, which a lot of YouTubers, media houses will probably never ever share with you. Yeah. How are you? Good. So, ji, good morning and welcome to a new video. आपको पता है कि मैं अभी म्यांमार में हूँ. आपको पता ही है कि बहुत सारे न्यूज़ चल रहे हैं, देयर लॉट ऑफ सैंक्शंस ऑन म्यांमार, और बहुत सारी चीज़ें भी हैं जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है म्यांमार की और जो मीडिया में दिखाते हैं उसमें काफ़ी फ़र्क है. बट एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन काफ़ी हाई है ऑफ यू नो मिलिट्री का या फिर ऐसे पुलिस. वो देखते हैं तो आपको बड़ा ही सोच समझ के सारी चीज़ें करनी होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग एंड एवरीथिंग. और अभी मैं अपनी टैक्सी मैंने मंगाई है ग्रैब से और मैं जा रहा हूँ यहाँ की बहुत ही फेमस पकौड़ा को कवर करने के लिए. इट इज़ कॉल्ड श्वेतकान पकौड़ा, और मैंने टैक्सी जो है वो ग्रैब के थ्रू ही मंगाई है. और ग्रैब से ईजी रहता है कि आपका कार्ड जो है उससे लगा हुआ है, तो मेरी जो भी पेमेंट है वो कार्ड से डायरेक्ट हो रही है. आई फॉरगॉट योर नेम ब्रदर, व्हाट्स योर नेम? जोथेम. जोथेम, you look like Indian, you know? No. Burma. Burma. Your parents have anybody, grandfather? Nearly. Yeah. India. Oh, that's why you look very same, just like me. Grandfather. From India? Yeah, grandfather. Oh, nice. From where, which city? India, you know, which city? No, I don't know. okay. तो जी यहाँ की सड़कें भी आप देखोगे तो एकदम नॉर्मल लग रही हैं, जैसे नॉर्मल शहरों में होती हैं. तो चेक पोस्ट आपको नज़र आएंगे, मिलिट्री के चेक पोस्ट होते हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा कैमरा वगैरह नीचे करना होता है. एंड आई एम कैरिंग माय पासपोर्ट विद मी, पासपोर्ट की फ़ोटो भी है. तो कल मैं नहीं लेके चला था, आज मेरे को होटल वालों ने सजेस्ट किया कि आप अपने साथ अपना पासपोर्ट भी कैरी करो. तो मेरे पास फ़ोटो भी है, मेरे पास पासपोर्ट भी है, तो मैं अपने साथ लेके ही चल रहा हूँ, जस्ट इन केस इफ एनीबडी स्टॉप्स यू और वो चेकिंग करते हैं तो थोड़ा सा आपको सेफ रहना होता है. हाउ मच फॉर दिस? मेनी डोनेशन. हाउ मच? डोनेशन. हाउ मच यू वांट? हाउ मच मनी आई गिव यू? 1000. ओके, आई गिव यू 1000. होल्ड दिस. हेलो. नो फ्लावर, जस्ट दिस. या जी, यहाँ टेम्पल में जो एंट्रेंस फीस है पगोड़ा में वो लगभग 5000 क्या जो इनकी करेंसी है उसमें हमको पे करना होता है. I keep this with you. Hello. Hello. Okay. Thank you. Yeah. तो यहाँ पे आपको शूज अपने देने हैं और उसके अलावा देखना पड़ेगा कि यहाँ पे भी कुछ पे करना होता है क्या. ओके, थैंक यू सो मच. और यहाँ पे आप देखो कितना खूबसूरत इन्होंने बना रखा है एंट्रेंस पे. यहाँ पे आपको ऐसे शॉप्स मिलेंगी. This is really so beautiful. मुझे काफ़ी स्टेयर चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा यहाँ पे टेम्पल के मेन कॉम्प्लेक्स में विजिट करने के लिए. हाउ मच? ओके, हाउ मच? 20,000 फॉर दिस? यस. एंड 20,000 टिकट? ओके ओके. सो जी मेरे को पहना रहे हैं यहाँ पे. थैंक यू सो मच. अच्छा, ओए, वी आर लाइक दिस. ओके, ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो मैंने यहाँ पे पहन लिया है कि ट्रेडिशनल जो काइंड ऑफ लुंगी होती है वो पहनी है अभी. ओके, थैंक यू.
ओके थैंक यू। तो ये मैंने टिकट ले लिया यहाँ पे, टिकट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 20,000 इनकी करेंसी में है। एंड साथ में जो मैंने यहाँ पे ये लुंगी पहनी हुई है जो मैं आपको भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में, तो लुंगी का भी 10,000 डिपॉजिट है विच यू विल गेट बैक। सो ऐसा नहीं है कि वो पैसे आपको मतलब चले जाएंगे, बट इट्स एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल यार, आई मस्ट से। From India. India. तो जी यहाँ पे आप वॉक करोगे तो यू स्पीक हिंदी? यू स्पीक हिंदी? इंग्लिश? नो हिंदी। नो हिंदी। तो जी आप जब यहाँ पे वॉक करोगे ना तो होता क्या है मोस्टली बिकॉज यहाँ पे बहुत कम फॉरनर्स आ रहे हैं अभी, तो इस चक्कर में जो टूरिस्ट गाइड होते हैं वो आपको जनरली रीच आउट करते हैं और आप चाहते हैं कि आप उनको यू नो यू टेक अ टूरिस्ट गाइड एंड देन दे विल शो यू, तो उनके प्राइसेस हाई हैं, बट बिकॉज यहाँ पे कोई फॉरनर्स आ ही नहीं रहे हैं तो दे आर ओपन टू नेगोशिएट कि आपको थोड़ा घूम फिर के इसके बारे में थोड़ा बहुत बता देंगे। सो जी बहुत मुश्किल है यहाँ पे अभी चीज़ें, तो लोकल्स के लिए यू नो एक तरीका है यहाँ पे अर्न करने का। सो आई विल बी पेइंग हिम अराउंड 20,000 इनकी करेंसी में, और अब हम थोड़ा वॉक करेंगे और ये मेरे को थोड़ा बताएंगे यहाँ की हिस्ट्री क्या है कैसा है। एंड ही वाज टेलिंग मी दैट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर म्यांमार बुद्धिस्ट पीपल। Every Myanmar Buddhist people, they want to come to be here one time in our life. Yeah. Because inside the pagoda, there were four different Buddha relic were put inside. Yes. Four yeah. different Buddha. Only this place, four Buddha relic were together here. What's your name, brother? I forgot to My ask. My name is Nine, number nine. Nine. You? Nine. Yeah. Me, you call me Pratik. 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 Oh, yeah. Nice to meet you, Pratik. Thank you for everything. No problem. No Welcome problem. To Myanmar. Thank yeah. you. Very beautiful. They, yeah, yeah. they maintain it every time. Yeah, yeah. Every the big one, every 5 year one time we do renovation. Yeah. The it depend on the situation. Now this one, you know, yeah. another reno over there. You see the bamboo scaffolding. Yeah. They are another preparing to renovate. But after, like, are a lot of tourists visiting, foreigners visiting? No, 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 not much. Less, very less. As we have gone, there we have four different Buddha relic. That's where the four particular Buddha statue. This is we call number one. This Buddha is we saw in front of with the glass. Kakasunda Buddha. Yeah, Kakasunda Buddha. Yeah. This Buddha is made representing our number one Buddha relic. We call walking stick. Suji, मेरे पीछे था Buddha की main pagoda, जो यहाँ पे main आपका Shikdhavan pagoda का entrance है. Thank you so much. तो वो जो है हम वहाँ पे खड़े थे एंड वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट एंड ही मेरे को बता रहे थे सारी चीज़ें यहाँ पे जो है हिस्ट्री ओवरऑल रिलिक्स यहाँ पे रखे हुए हैं बुद्धा के प्लस जो बुद्धा का लाइफ है पूरा का पूरा वो एक्सप्लेन कर रहे थे और लोकल कैसे यहाँ पे आके जब वो बो करते हैं तो वो तीन बार ऐसे करके बो करते हैं सो दे बो थ्री टाइम्स वन फॉर बुद्धा वन फॉर बुद्धा टीचिंग्स एंड वन फॉर द मंक्स या तो आप देखोगे कहीं पे भी थाईलैंड में भी या फिर कहीं पे भी जहाँ पे पगोड़ा में करते हैं तो दे बो डाउन थ्री टाइम्स तो यूज एक्सप्लेनिंग में कि वो क्यों करते हैं ऐसा एंड इट्स बहुत ज़्यादा धूप है अभी तो यू आर जस्ट वॉकिंग विद द अम्ब्रेला थैंक यू सो मच ब्रदर। सो जी ये है मेन पगोड़ा शेदगान पगोड़ा और इसका क्या है कि जो गोल्ड की प्लेटिंग है वो हर 5 साल में चेंज करते हैं और इसकी एंट्रेंस जो है वो अलाउड नहीं है फॉरनर्स को यहाँ से आप जाके एक लेवल तक वॉक कर सकते हो बट ओवरऑल इट्स प्रीटी ब्यूटीफुल एंड आई मस्ट से दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पगोड़ाज दैट आई हैव सीन। सो जी यहाँ पे इन्होंने मेरे को दिखाया जो मेरे यहाँ पे गाइड है नाइन इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया था जो यहाँ पे आपको मार्बल्स नज़र आ रहे हैं ये पूरा मार्बल मोदी जी के विजिट हुई थी 2017 में तो उन्होंने यहाँ पे डोनेट किया था पूरा जो आपको मार्बल फ्लोरिंग नज़र आ रही है प्रीटी नाइस टू नो। तो ये जो है टुवर्ड्स इंस्टॉलेशन ऑफ हीट रेजिस्टेंट मार्बल इन दी श्वेटगान पगोड़ा कॉम्प्लेक्स श्वेटगान पगोड़ा मैंने पूरा का पूरा भी कवर किया एंड माई गाइड नाइन वॉज रियली नाइस एंड इट वॉज अमेजिंग इतने अच्छे तरीके से इन्होंने मेरे को सारी चीज़ें यहाँ पे बताई है सब कुछ गाइड किया है हमने ऑलमोस्ट आई थिंक वी स्पेंट लाइक वन आवर प्रीटी गुड एंड ही न्यू ऑलमोस्ट एवरीथिंग सो इफ एनीबडी इज प्लानिंग टू कम टू श्वेटगान पगोड़ा यू शुड रीच आउट टू हिम इज अ वेरी नाइस गाय प्लीज। सो जी अभी ज़्यादातर फॉरेन टूरिस्ट आ नहीं रहे तो इस चक्कर में इनको बिजनेस देना हमारी तरफ से भी ज़रूरी हो जाता है जब आप आ रहे हो एंड ट्राई नॉट टू नेगोशिएट अ लॉट मैंने थोड़ा सा नेगोशिएट करके 20 पे किया था बट मैंने 10 एक्स्ट्रा दूंगा बिकॉज ऑब्वियसली उन्होंने मेरा कैमरा वैमरा भी पकड़ा है और थोड़ा गर्मी थी मैं वीडियो बना रहा था तो ये छाता लेके आ गए थे ऊपर तो जस्ट फॉर ए स्वीटनेस आई थिंक इट इतना तो बनता है करना। दिस इज ऑल्सो 10 आई गिव यू 30 रियली यस नो प्रॉब्लम यू यू आर वेरी नाइस यू टू थैंक यू फॉर योर हेयर थैंक यू नो प्रॉब्लम ब्रदर टेक केयर
We see you again sometime. Let me take photo with you. Yeah, sure. Sure. तो जी अभी धूप निकली थी इतनी गंदी, बट अभी सडनली बहुत ज़ोर की बारिश हो गई है और मैंने अपनी टैक्सी मंगवाई है टू गो टू जंक्शन स्क्वायर मिंगलावा. ओह रेनिंग टू मच. हाउ आर यू? यस थैंक यू मैम. एंड यू? गुड ब्रदर गुड. सो जी अभी बहुत गंदी धूप थी बट अभी सडनली यहाँ से बारिश स्टार्ट हो गई है. एंड राइट नाउ आई एम गोइंग टू दिस वेरी फेमस मॉल हेयर. इट्स कॉल्ड जंक्शन मॉल जो यंगॉन में काफ़ी ज़्यादा फेमस है. एंड मैंने उसके बारे में काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें सुनी है तो मेरे को ताकि वहाँ जाके एक बार एक्सपीरियंस करूँ कि ओवरऑल अभी इस टाइम पे ड्यूरिंग दीज हार्ड टाइम्स हाउ इट एक्चुअली लुक्स लाइक. एंड वहाँ जाने के बाद कहते हैं कि यू विल नॉट फील लाइक एज इफ यू आर इन अ कंट्री जहाँ पे इतना सब कुछ हो रहा है अभी करेंटली. एंड या अभी तक तो किसी ने भी ऐसा कुछ पॉइंट नहीं किया व्हेन यू आर मेकिंग वीडियो और फिल्मिंग. बट एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है कि जब आप वीडियो बना रहे होते हो या फिर आप अगर ऐसे नॉर्मल भी चल रहे हो तो अभी ज़्यादा टूरिस्ट आ नहीं रहे तो एवरीबॉडी विल लुक एट यू. तो क्यूरियोसिटी जो है ना लोगों की बहुत हाई है अभी. तो वो एक चीज़ मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी नोटिस करी है. एंड आई थिंक एवरीबॉडी इज़ स्माइलिंग बहुत अच्छे से. सबके सब ग्रीट करते हैं जब आपसे मिलते हैं. एंड या अभी मैं टैक्सी में बैठा हूँ और टैक्सी मुझे लेके जाएगी जंक्शन स्क्वायर फ्रॉम श्वेडेगान पगोड़ा और इसके लिए मैं पे कर रहा हूँ अराउंड 5000 के आसपास जो लगभग $1 के आसपास होता है. और एसी चल रहा है विच इज़ प्रीटी गुड. व्हाट्स योर नेम ब्रदर? माय नेम इज स्टिंगो. स्टिंगो. ओह यू बुद्धिस्ट और बुद्धिस्ट? बुद्धिस्ट. ओह नाइस. यू फ्रॉम यंगॉन? यस सर. नाइस. तो जी फाइनली आई एम एट जंक्शन मॉल. एंड जब आप यहाँ पे आते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि चीज़ें जो है वो नॉर्मल तरीके से ही चल रही हैं. यहाँ पे इतना कुछ नहीं है. अगर आप ऐसे मॉल वगैरह में हो तो ऑल आई मीन टू से इसकी जो लाइफ रेगुलर लाइफ है लोगों की वो बिल्कुल रेगुलर तरीके से चल रही है. यू हैव मॉल फंक्शनिंग. आपको फैमिलीज़ नज़र आती है, बच्चे नज़र आते हैं, खेल रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है. तो जी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे छोटे छोटे शॉप्स हैं जैसा आपको बैंकॉक में भी देखने के लिए मिलेगा इन प्लैटिनम मॉल एंड एवरीवेयर एल्स. तो ये ब्यूटी सेंटर है, सैमसंग के स्टोर्स हैं, यू हैव एप्पल एज वेल. सो इट्स प्रीटी नाइस टू बी हेयर ओवरऑल. सो जी यहाँ पे प्रॉपर बुक स्टोर भी है जो मेरे को अभी नज़र आया इस मॉल में. एंड देयर आर प्रीटी गुड ऑप्शंस एज वेल. सो मैंने सोचा एक चक्कर मारा जाए. एंड मैं जहाँ पे भी जाता हूँ मुझे जापान की याद आती है. अब ये हालत हो गई है फुजिको फुजियो जिन्होंने बुक लिखी थी डोरेमोन, जिनके घर भी हम गए थे इन आर जापान सीरीज इन ताकुओका. काफ़ी सही ये बना रखा है इन्होंने. एंड देयर इज़ अ नाइस कॉफ़ी स्टोर एज वेल विच इज़ राइट ऑपोजिट दिस बुक स्टोर. हाउ मच फॉर वन? 7500 एंड बाय टू गेट वन. ओके थैंक यू. प्राइसेस आर आल्सो नॉट दैट एक्सपेंसिव. 7500 होता है अप्रॉक्सीमेटली $1.50 के आसपास. तो जी यहाँ पे बेसिकली आप जब आते हो तो आपको ऐसे पॉटरी आप खरीद सकते हो. देन यू कैन कलर एंड देन उसी हिसाब से अगर आप कलर वगैरह कर लेते हो तो आप अपने साथ लेके जा सकते हो. इट्स काइंड ऑफ बिकम्स लाइक अ सुविनियर. सो इफ़ यू वांट टू डू समथिंग लाइक दिस देन ऑब्वियसली इट्स अ गुड ऑप्शन. एंड ओवरऑल आई फील कि यहाँ पे सब कुछ एकदम नॉर्मल तरीके से चल रहा है. आप कुछ कुछ जगहों पर हो स्ट्रीट्स में. थैंक यू. कुछ कुछ जगहों पर हो स्ट्रीट में तो वहाँ पर चीज़ें काफ़ी डिफरेंट है बट नॉट हेयर आई एम श्योर. 6000 कैन आई पे बाई कार्ड? या मेरे पास ज़्यादा बचा नहीं है सो आई एम जस्ट गोइंग टू पे बाय माय कार्ड. तो यहाँ पे कार्ड भी नॉर्मल चल रहा है. ओके थैंक यू. आई होप मेरा कार्ड चल रहा है यहाँ पे. एंड एक कॉफ़ी हॉट इज 6000. मैंने ऑलमोस्ट पिछले 5 दिन से एक भी कप कॉफ़ी नहीं पी है. एंड आई होप इट हिट्स मी हार्ड. सो जी मैंने मंगाई है अपने लिए कॉफ़ी. एंड कॉफ़ी वॉज ओनली 6000 इनकी लोकल करेंसी में विच इज़ एक्चुअली प्रीटी चीप. ऑलमोस्ट क्लोज टू $1.25 के आसपास हम मान के चलो. सवा भी नहीं, $1.15 के आसपास. एंड कंसिडरिंग द प्राइस ओवरऑल इट इज़ अ स्टील डील कि आप एक मॉल में बैठ के कुछ 70-80 रुपये में यहाँ पे कॉफ़ी पी रहे हो. वो भी काफ़ी फैंसी तरीके से इन्होंने बना रखा है. सो आई थिंक आई एम जस्ट गोना हैव अ कॉफ़ी एंड देन प्रॉब्ली गो आउट टू द अदर साइड ऑफ दिस मॉल. वहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट्स हैं तो वहाँ से कुछ लंच करूँगा एंड देन प्रॉब्ली हेड आउट एंड एक्सप्लोर द अदर साइड ऑफ रंगून. एंड आई एम टेकिंग अ वॉक इन दिस मॉल और यहाँ पे आपको लिटरली सारे स्टोर्स मिलेंगे जो आप सोच सकते हो.
we eat all the fancy brands like Kunkaya Toast, plus बहुत सारे ऐसे माला spots हैं, Thai restaurants हैं. There are literally everything that you can find in this mall. But यहाँ पे live performance भी चल रही है by the way. And there is bakery, there is cafe, you have ATMs, you have currency exchange. But I'm just taking a walk outside the Junction Mall. यहाँ पे बहुत सारे you know there are like all these brands, जो restaurants जो आपको हर तरफ मिलते हैं, बड़े famous restaurant chains हैं, like you have BreadTalk, you have Starbucks as well. मैं सोच रहा हूँ कि BreadTalk से कुछ खाया जाए. बाकी जो dinner है वो probably I'll have something local. But यहाँ पे जब आप आते हो ना, तो इस area में आने के बाद it actually looks pretty modern. और you have these huge office buildings. और यहाँ पे actually बहुत बड़ा एक इस area में especially बहुत बड़ा जो offices हैं और वो corporate hub जो आप कह सकते हो, वो ये वाला area है जंक्शन सिटी का जो बोल सकते हो आप. यहाँ पे जो स्टॉल वगैरह हैं वो एकदम वैसे हैं जैसे अपने इंडिया में होते हैं. आई एम क्विकली गोना क्रॉस द रोड. जी यहाँ पे ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, विच इज़ पान जो हमारे यहाँ खाते हैं. सो जी व्हेन यू आर इन दिस एरिया तो आप नहीं कह सकते हो कि आप अभी एक एक्चुअली सिविल वॉर टाइप की कंट्री में घूम रहे हो. और यहाँ पे देखो सारे आउटलेट्स हैं. यू हैव ओवर हेयर यू हैव सैमसंग, ओप्पो और सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्रांड्स हैं उन सबका आउटलेट है. एंड सिमिलरली ओवर देयर यू हैव ग्लोरिया जीन्स एंड यू हैव अदर रेस्टोरेंट्स एज वेल. सो जी दिस सीम्स टू बी अ प्रीटी फैंसी मॉल. और मैंने जैसे यहाँ पे एंटर किया, एंटर करते ही यहाँ पे यू हैव ऑल दीज फैंसी स्टोर्स. यू हैव एप्पल ऑथराइज्ड रिसेलर एज वेल. नाउ आई एम जस्ट गोना टेक अ वॉक. एप्पल के प्राइसेस भी आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या चल रहे हैं अभी. तो जी यहाँ पे एप्पल के प्राइसेस लिखे हुए हैं अगर आपको एप्पल ख़रीदना है. सो 15 जो है नॉर्मल 256 GB वो 47 लाख का है इनकी करेंसी में. अगर आपको रेट चाहिए तो आप इसको 4000 से डिवाइड करोगे तो जितना भी आएगा दैट इज़ गोइंग टू बी डॉलर्स. 15 प्रो 256 इज 57,70,000. तो ये रफली बनता है अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ $1400 का. तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे एक्सपेंसिव है अगर आप ओवरऑल प्राइस को कंपेयर करो. तो जी आईफोन के प्राइसेस तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है. एंड ऑनेस्टली इट इज़ प्रीटी एक्सपेंसिव टू बाय एन आईफोन हेयर. एंड आई थिंक दैट्स द रीज़न कि यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो अपने साथ फ़ोन लिए घूम रहे हैं, जैसे ओप्पो या फिर कोई इसी टाइप के ब्रांड्स हैं, एप्पल बहुत ही रेयरली आपको किसी के हाथ में देखने के लिए मिलेगा. तो जी यहाँ मॉल के बाहर ही थोड़ा सा एक मार्केट टाइप लगा हुआ है फ्रॉम वेयर यू कैन बाय ऑल दीज चीप स्टफ़. एवरीथिंग इज़ लाइक 9,000-10,000 इनकी करेंसी में, जो रफली मान के चलो आप लगभग $1 to $2 के बीच में होते हैं. तो आई थिंक इट्स अ वेरी स्टील डील. इफ़ यू आर हेयर यू कैन डेफिनेटली कम एक्सप्लोर दीज प्लेसेज एंड यू विल गेट रियली रियली गुड डील. आप देख सकते हो रेट 6,000 to 7,000 के बीच में ही है सब कुछ. सो जी दिस इज़ अनदर मॉल दैट आई हैव जस्ट नाउ एंटर्ड. ये भी यहीं पे जंक्शन स्क्वायर जंक्शन एरिया में ही है. यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं शॉपिंग के, ज्वेलरी के, खाने पीने के. तो जी नाउ आई डोंट हैव लॉट ऑफ कैश लेफ्ट. आई जस्ट हैव अराउंड 10,000 इनकी करेंसी में, जो लगभग $1.5 to $2 के आसपास होते हैं. तो मैंने कल से जो $50 निकाले थे सारे खर्च हो चुके हैं. जस्ट हैव 10,000 का नोट बचा हुआ है. अब मैं फटाफट यहाँ पे ढूंढता हूँ कहीं पे लोकल करेंसी शॉप मुझे मिल जाए सो दैट आई कैन गेट सम करेंसी एक्सचेंज्ड. सो जी फाइनली आई एम बैक इन माय टैक्सी और अब मैं जा रहा हूँ अपने होटल की तरफ. बारिश हो गई है स्टार्ट काफ़ी ज़्यादा एंड मेरा होटल यहाँ से हार्डली 10 मिनट्स है. सो जी मैंने एक चीज़ जो यहाँ पे नोटिस करी है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट की चीज़ें नॉर्मल लग रही हैं. जब भी आप अपना कैमरा निकालते हो या फिर आपके हाथ में कैमरा है या फिर जब भी खुद को शूट कर रहे हो तो आप एवरीबडी स्टार्ट्स लुकिंग एट यू. तो वो थोड़ा सा एंड आई एम नॉट सेइंग दैट वो बड़े ही गलत सेंस में. आई एम जस्ट सेइंग कि वो लोग ना क्यूरियस होते हैं जानने के लिए कि आप कर क्या रहे हो एंड दैट टू एज अ फॉरनर इन अ कंट्री जहाँ पे अभी आपको बताया कि Level 4 की वार्निंग है. सो जी आई जस्ट केम बैक टू माई होटल और अब बारिश रुक गई है तो मैं निकला हूँ. मैंने सोचा कुछ करेंसी एक्सचेंज करा लिया जाए बिकॉज लाइक आई सेड मैं $50 मैंने एयरपोर्ट पर कराए थे एट अराउंड 4,000 क्यात फॉर $1. अब मैं थोड़ा स्ट्रीट पे ढूंढ रहा हूँ कि करेंसी मिल जाए मेरे को. बहुत सारे ऐसे स्टोर्स हैं यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज के बट आई एम ट्राइंग टू फाइंड द वन दैट कैन गिव मी द बेस्ट रेट. जनरली अगर आप सैटरडे संडे को करेंसी एक्सचेंज कराना चाहते हो तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है बिकॉज बहुत सारे स्टोर्स जो हैं वो बंद होते हैं. तो आपको सीधा जंक्शन स्क्वायर पे जाना पड़ेगा जहाँ पे मैं थोड़ी देर पहले था. आई हैव स्टिल फाउंड वन शॉप जहाँ पे मैं जाके देखता हूँ कि भाई करेंसी एक्सचेंज हो जाएगा कि नहीं. तो जी एक बड़ी लोकल से एरिया से होता हुआ मैं जा रहा हूँ टूवर्ड्स दी बायोके मार्केट. यहाँ पे अंगसान बायोके करके एक बड़ा सा मार्केट एरिया है एंड इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्केट एरियाज इन यंगॉन सिटी. और वो मार्केट ऑलमोस्ट 70-80 साल पुराना है एंड उस मार्केट को बनाया था ब्रिटिश के टाइम पे. तो वहाँ पे जो पूरा कलोनियल आर्किटेक्चर है वो विक्टोरियन स्टाइल वो आपको देखने के लिए मिलेगा. सो जी ब्रिज क्रॉस करते ही आई थिंक आई हैव रीच्ड दी बॉगयोके
ऑंग सान मार्केट करके ये है। तो देखो यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ भी हैं एंड इट लुक्स प्रीटी ह्यूज। सो जी आई एम ट्राइंग टू फाइंड द करेंसी एक्सचेंज, आई थिंक वो इधर ही कहीं होना चाहिए। बड़ी लोकल सी मार्केट है जिसके अंदर मैं हूँ एंड यहाँ से होता हुआ अभी एक लेडी से मैंने पूछा, उन्होंने मेरे को बताया कि करेंसी एक्सचेंज है इधर। तो मैं अभी इनसे मिला एंड ही इज़ ऑलमोस्ट 70 ईयर्स ओल्ड। यू डोंट लुक 70, दैट्स व्हाट आई सेड, वेरी यंग, वेरी यंग। तो ये बता रहे थे कि इनका यहाँ पे, जैसे आपको पता है कि जेम स्टोन्स का बहुत ज़्यादा काम होता है, तो आपको जेम स्टोन का बहुत सारा चीज़, और इसको क्या बोलते हैं ये जो होते हैं, किस चीज़ के बने होते हैं? जेड, हाँ हाँ, क्योंकि श्वेडगन पगोड़ा में भी उनकी एक मूर्ति है, वो इसकी बनी हुई है, जेड की, आज मेरे को पता चला। व्हाट अबाउट दिस? टाइगर आई। हाँ, ये क्या है? बट स्टोन है ये। हाँ, तो ये कोई भी पहन सकता है? संथाली सकता है, कोई पहनो, बेटी भी पहनो, सब 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 सब, लेडीज मेन फीमेल, अच्छा लग रहा है, सब चलेगा। वो भी देखेंगे, ये फॉसिल है, फॉसिल वुड है, अपना अपना मुल्क का माल है। हाँ अच्छा, ये काफी सही लग रहा है यार, दिस इज फॉसिल वुड। एंड हाउ मच फॉर दिस? डबल ले रहे हैं। हाँ जी, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो जी मैंने लिया है दो ऐसे, मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। हाँ, सो मैंने एक ये लिया यहाँ पे एंड वो ग्रीन वाला कौन सा था जो दूसरा लिया मैंने, ये, हाँ, सो ये दो मैंने लिया है। बोथ ऑफ दीज आर अराउंड 8 to 10,000 चार्ट, जो लगभग $2.25 के आसपास होता है, विच इज़ वेरी चीप। एंड मैंने अपने लिए भी यहाँ पे एक स्टोन लिया, बिकॉज ही वॉज सो नाइस दैट आई हैड टू बाई समथिंग फ्रॉम हेयर नो मैटर वॉट। Thank you so much. Thank you. But you don't look 70. Thank you. Very, very young. Yeah. Very young. How much total? Total bhalo chale kujo. Mamla. Mera mera kono mila ba. 27 sir. 27. Babi ka 20 hai. Aapka 7000. Okay, okay. Na? Ha. To matlab kiya. Haan ji, haan ji. Itna dala. Hmm. Theek. Thank you. Thank you so much. Yeah. Okay. Thank you. 30. I give the 3000. It's okay, it's okay, yeah. It's okay, no problem. Thank you so much, thank you so much. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बहुत से दिल वाला है, आप भी दिल वाला है, मैं भी दिल वाला है। Thank you so much. अल्लाह भेजा आपको यहाँ में। हाँ जी, वही तो, अभी इतनी दूर से मैं चल के आया और सीधे आपसे मिला। मेरा नाम बाबू है। हाँ, अच्छा आपका नाम बाबू? बाबू है जी। मेरे बहुत अच्छे दोस्त का नाम बाबू है। बाबू है, पर इजी नेम। हाँ, मैं इसको जरा वीडियो में भी दिखाऊँ। सो जी, इफ एनीबडी इज एवर प्लानिंग टू कम टू दिस बयोके मार्केट, make sure that you come here and meet Babu sir. Perfect. जी, this is the entrance of the very famous market. 1926 में बना हुआ है ये market. और mostly यहाँ पे gem stones के ही item मिल रहे हैं. But right now I'm going to Myanmar Plaza, जो कि बहुत ही बड़ा एक shopping mall है यहाँ पे. और यहाँ से almost 20 minute की journey है, 15 से 20 minute की journey है. मैंने Grab से ही अपनी taxi बुला ली है और it is going to come 4654. एक minute में आने वाली है. एंड इस बार मैंने कैश पे मंगाई है, बिकॉज मेरे पास कैश काफ़ी पड़ा है और म्यांमार से निकलने के बाद कैश तो आप इस्तेमाल कर नहीं पाओगे. तो जी, फाइनली माय टैक्सी इज़ हेयर. मिंगलाबा, देखते हैं जी वहाँ यहाँ के यंगॉन के मॉल कैसे हैं ओवरऑल. दिस इज़ अ वेरी नाइस प्लेस ना. यस, वेरी नाइस. दिस मार्केट इज़ वेरी ओल्ड, वेरी ओल्ड. तो यार मैं आपको सड़कें दिखाऊँ यहाँ की ना, तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही मॉडर्न बना रखा है इन्होंने ये वाला एरिया स्पेशली, बिकॉज दिस इज़ वेरी क्लोज टू दी जंक्शन स्क्वायर और बगल में वो मॉल भी है. अब देखो, मतलब दिस इज़ सो यूनिक, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल. बट एक चीज़ तो है कि मिलिट्री चेक पोस्ट होते हैं, तो लाइक आई सेड, हैव टू वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू रिकॉर्ड. तो बाकी ऐसा नहीं है कि लोगों के, मतलब मैं ये मानता हूँ कि लोगों के प्राइवेसी को मत आप वो करो, कि लोगों के मुँह पर कैमरा मत मारो. आप अपना जो आपको शूट करना है आप शूट करो एंड देन यू मूव अराउंड, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा. बाकी यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव कि भाई क्या चल रहा है सामने आपके आसपास. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ योर सराउंडिंग व्हेन एवर यू आर ट्राइंग टू रिकॉर्ड एनीथिंग. सो जी, मेरी ये वाली जो जर्नी है जो मैं ये कर रहा हूँ टिल फ्रॉम दैट मार्केट ऑल द वे टू म्यांमार प्लाजा, तो ये इसके लिए मैं पे करूँगा लगभग 100 रुपये. तो 100 रुपये के आसपास मैं पे करूँगा और ये ऑलमोस्ट 25 मिनट की जर्नी है. एंड डिपेंडिंग ऑन कि आपको किस रेट पर डॉलर मिलता है, क्योंकि ब्लैक मार्केट में या लोकली आप काफ़ी अच्छे रेट पे डॉलर ले सकते हो. तो अगर आप 5000 कैप पे लेते हो तो लगभग $1.25 की जर्नी रहती है 20-25 मिनट की.
तो उससे आप लगा सकते हो कि कितना महंगा है करंटली म्यांमार टू ट्रैवल। अभी तक की मेरी सबसे चीपेस्ट कंट्री ये है आफ्टर कजाकिस्तान। कजाकिस्तान भी बहुत सस्ता था, लाओ भी बहुत सस्ता था, बट आई थिंक लाओ, कजाकिस्तान, कंबोडिया उसी के सेगमेंट में आता है, बट ये उन सबसे ज़्यादा सस्ती है राइट नाउ टू ट्रैवल। तो जी, वी आर फाइनली एट दी म्यांमार प्लाजा और आप ये देख सकते हो दिस इज़ सच अ ह्यूज मॉल और मेरे सामने यहाँ पे प्यूमा का स्टोर है। एंटर करते ही मैं भी सबके रेट्स देखूँगा कि यहाँ पे रेट्स क्या चल रहे हैं, बिकॉज मैंने जितना नोटिस किया कि जो ब्रांड्स हैं महंगे महंगे उन सबके प्राइसेस यहाँ पे काफ़ी हाई हैं। सो यू हैव अंडर आर्मर, यू हैव ब्रेड टॉक, प्रॉब्ली मेरा डिनर आज ब्रेड टॉक से ही होने वाला है, एंड देन यू हैव लकॉस, चार्ल्स एंड कीथ, मैंगो, नॉट बैड एट ऑल। तो जी, इन दिस मॉल यू विल फाइंड ऑलमोस्ट ऑल द ब्रांड्स। आप देखोगे यहाँ पे लकॉस भी है, ऊपर भी हैं बहुत सारे ब्रांड्स। ये अर्क स्पोर्ट्स जो है, अर्क स्पोर्ट्स आई थिंक इट्स अ चाइनीज ब्रांड, और यहाँ पे स्केचेस भी है और ऐसे ओपन पेस्ट्री केक कॉफ़ी का शॉप भी है। आई मीन इट्स अ प्रिटी ह्यूज मॉल ओवरऑल, एंड मेरे को ये जंक्शन स्क्वायर जो है, जंक्शन जहाँ पे मैं सुबह गया था, मुझे उससे ज़्यादा बेटर लगा ये पूरा का पूरा एरिया। तो जी, मैं अगर प्राइसेस की बात करूँ तो यहाँ पे प्राइसेस जो हैं ब्रांडेड स्टफ़ के लाइक नाइकी, एडिडास, ऑलमोस्ट 30-40% महंगा एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो अगर आप लोकल कुछ खरीदते हो तो उसमें आपको बहुत अच्छे डील्स मिलेंगे, बट अगर आप ब्रांडेड खरीद रहे हो तो वो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ने वाला है। ये वाला ब्रांड मुझे लगता है चाइनीज़ ब्रांड है, मैंने इसको थाईलैंड में भी देखा है, आई हैव सीन दिस ब्रांड इन हांगकॉन्ग एज वेल, बट आई एम नॉट श्योर, आई हैव नॉट सीन दिस एनीवेयर एल्स। सो इफ़ एनीबडी नोज कि ये ब्रांड कहाँ का है, डू कॉमेंट डाउन बिलो। सो जी, मेरे को वॉक करते हुए अभी ये वाला एक फ़ोन नज़र आया है, विच इज़ This is POVA 6, right? Yeah, of course. This POVA 6 Pro. Pro 5G. Pro 5G, yeah. 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 If you Oh, this is good for vlog. If you play a game, yeah. Oh, this one is vlog. Okay. And this is not very expensive, if you see. If you are a gamer, you should buy this one. Yeah. If you take a photo or video, a vlogger, you should buy this. Can I see the camera, bro? So good. Oh, it's pretty nice. Very nice. Very nice. AI and it is very cheap also, not expensive. Yeah, no, it's AI camera bhi hai. And yeah. And this is how much? Two gift. This 256. Yeah, okay. But it's different RAM. Mm. RAM is RAM 8 or RAM 12. Oh. RAM 8 or RAM 12. So, इसमें अलग ही कुछ स्पेसिफिकेशन है, बट द बेस्ट पार्ट इज द प्राइस, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। सो दिस इज़ लाइक $100 के आसपास है, $150 के आसपास है। सो जी, दिस मॉल इज़ एक्चुअली ह्यूज, प्राइसेस तो मैंने आपको दिखा दिए, ओवरऑल बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को, एंड एक अलग ही वाइब देता है ये वाला एरिया आने के बाद। और आप कोई नहीं कहेगा यहाँ आने के बाद कि यार वी आर इन अ कंट्री दैट इज़ गोइंग थ्रू अ सिविल वॉर राइट नाउ, नंबर 3 पे है ये वर्ल्ड की अभी सबसे डेंजरस सिटी टू विजिट, एंड ये आपके सामने है। तो जी, अगर आप करंटली अभी सर्च करते हो कि कंट्री विद अ ट्रैवल 4 एडवाइजरी और अ कंट्री विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस राइट नाउ टू विजिट, तो यांगोन जो है उसमें तीसरे नंबर पर आता है बिफोर लागोस, नाइजीरिया और बहुत सारी कंट्री। तो उस हिसाब से आई थिंक दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू टू टेक अ रेफरेंस कि अभी एग्जैक्टली क्या सिनेरियो है इन यांगोन, म्यांमार एज ऑफ नाउ। तो जी, आई जस्ट केम आउट ऑफ द मॉल, मैंने ये वाला एग्जिट लिया और यहाँ से ही थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, बट यहाँ पे देखो आप नॉर्मल लाइफ चल रही है, बस स्टॉप है, भीड़ बहुत ज़्यादा है बस में चढ़ने के लिए, लोग लिटरली भागा दौड़ी में चढ़ रहे हैं, बट प्रॉपर बस स्टॉप है, ऑटोमेटेड है सब कुछ, और ये आई एम नॉट श्योर कि गैस पे है इलेक्ट्रिक पे है ये वाली बस, बट आप देखोगे नॉर्मल लाइफ एज यूजल चल रही है यहाँ पे। नाउ आई एम वेटिंग फॉर माय टैक्सी, पिछले 5 मिनट से मैंने ग्रैब से ही मंगाया है। इस मॉल के जस्ट ऑपोजिट ही एक बहुत ही सुंदर सा पार्क है, उसके बैक साइड पे लेक है, तो अगर आप यहाँ पे आते हो देन दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द नाइसेस्ट प्लेस टू बी एट। तो जी, ग्रैब ने आने में बड़ी देर लगा दी, तो मैंने यहाँ पे ऐसे लोकल उनसे ही बातचीत कर ली है, अब इनके साथ मैं जा रहा हूँ। तो जी, यहाँ से जहाँ मुझे जाना है वो लगभग 15 मिनट का डिस्टेंस है, इन्होंने बोला 10, मैंने बोला 8, तो मान गए, बट खैर मैंने दे पूरे ही दूंगा, क्योंकि क्या चेंज कराना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नहीं होता, 1000 इनकी करेंसी का हार्डली लाइक 10-20 रुपये, 30 रुपये के आसपास होता है। बट यहाँ पे ग्रैब टैक्सी का बड़ा ही डिफरेंट सीन था, क्योंकि पिकअप लोकेशन मैच नहीं हो रहा था। बट चलो, मैं आपको ये दिखाता हूँ कि यहाँ पर रेंज रोवर भी घूम रही है सड़कों पर, रेंज रोवर, जैगुआर, आई हैव सीन ऑल दीज ब्रांड्स ओवर हियर। सो जी, राइट नाउ आई एम गोइंग टू दिस वेरी ऑथेंटिक, यहाँ का लोकल फूड खाने के लिए जा रहा हूँ, और अभी रिसेंटली पैसेंजर परमवीर की वीडियो में भी मैंने देखा था दैट ही वेंट देयर, सो आई थॉट मे बी आई विल आल्सो गो एक्सप्लोर। ज़्यादा दूर नहीं था यहाँ से, हार्डली 15 मिनट्स के आसपास था, तो मैंने सोचा वहाँ जाके ही आज कुछ खाया जाए,
एंड देन आई थिंक आई कॉल इट अ डे. काफ़ी सुबह से इधर उधर घूम रहा हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल हो गया, बट ओवरऑल इट्स अ प्रीटी नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी, आई मस्ट से दैट. बढ़िया लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा. तो जी मैंने आपको शायद ही बताया नहीं, बट व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब पे कम्प्लीटली बैन लगा हुआ है अभी, तो यू कैन नॉट यूज़ इट वेरी इजीली. तो जी अगर आपको बैन को सरपास करना है तो आपको VPN यूज़ करना होता है, एंड VPN यूज़ करना यहाँ पे इलीगल है. बट जब मैंने सिम लिया था तो मेरे को उन्होंने खुद ही VPN चला के दिया था, इंस्टॉल करके दिया था, तो बड़ा ईजी हो गया था यूज़ करना. बट एनीवेज एक जैसे एक लौता मैं हूँ, और मेरे हिसाब से ये मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्प्रेड है, मैं आपको दिखाता हूँ. तो जी देखते हैं कितने का बिल आया, पे करके आया जाए बिल. $4,500. ओके ओके, काफ़ी सस्ता है यार. थैंक यू, इट्स ओके, थैंक यू सो मच. तो जी मैंने पे किया है $4,500 फॉर दिस एंटायर मील, जो कि लगभग $1 से भी कम होते हैं, मतलब लगभग 70-80 रुपए के आसपास होता है. नॉट बैड. आई एम फ्रॉम इंडिया. आई डोंट थिंक आई हैव टू से दिस, बट बर्मीज पीपल अमेजिंग, बहुत ही अच्छे हैं, वेरी स्वीट एंड दे आर वेरी वेरी फ्रेंडली. ये सिर्फ कैमरे के लिए नहीं है, वो ऐसे भी आपसे ऑफ कैमरा मैंने बहुत लोगों से बात करी, एंड देवर ऑल सुपर डुपर नाइस. मुझे पसंद नहीं है मैं ज़्यादा लोगों के मुँह पर कैमरा मार के ज़बरदस्ती के वो कॉन्वर्जेशन निकालूँ, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि जितना हो सके उतना मैं एक ऑथेंटिक कॉन्वर्जेशन आपको दिखाऊँ. बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड जस्ट कॉमेंट डाउन बिलो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस. बाकी आई विल सी यू वेरी वेरी सून इन अ न्यू वीडियो फ्रॉम म्यांमार, जो बहुत जल्द आने वाली है. सो थैंक यू सो मच अगेन, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून.